पहले बच्चे लेट्स रीड द क्वेश्चन assertion a plus b dot a minus b is always positive. Reason this is positive if magnitude of a is greater than magnitude of b. Okay. तो चेक करते हैं पहले ये क्वांटिटी ले लो assertion में जो दे रखी है a plus b dot a minus b. ठीक है अब देखो पहले a dot a होगा ठीक है इसका ये b dot a आएगा plus b dot a फिर a को इससे करेंगे तो ये आएगा a को minus b से तो ये आएगा minus of a dot b फिर बी को इससे करोगे तो आएगा माइनस ऑफ बी डॉट बी अब ए डॉट ए आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर अब देखो बी डॉट ए डॉट बी सेम होता है ठीक है तो बी डॉट ए डॉट बी के इक्वल है तो ये कैंसिल हो जाएगा यह आएगा माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर ठीक है ये क्वान्टिटी हमारी ये आ गई अब देखो ये क्वान्टिटी आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए आपका बड़ा होगा तब ये क्वान्टिटी पॉजिटिव आएगी लेकिन अगर मैग्नीट्यूड ऑफ बी ज़्यादा हुआ तब वो नेगेटिव आएगी तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है तो ऑलवेज पॉजिटिव तो नहीं होगा तो ये आपका assertion फॉल्स है ठीक है रीजन में दे रखा है दिस इज पॉजिटिव इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी ठीक है ये बिल्कुल सही है कि अगर ए का मैग्नीट्यूड बड़ा हुआ तो ये क्वांटिटी बड़ी होगी जिसकी वजह से ओवरऑल क्वांटिटी क्या आएगी पॉजिटिव आएगी तो रीजन ट्रू है बट assertion फॉल्स है सो हम बोल सकते हैं assertion इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू सो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट चॉइस आई होप आप सबको समझ आया होगा थैंक यू सो मच